पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से हो जी? आज कौन? मैं आपके जीते कौन? पाकिस्तानी। इंडिया इंडिया नहीं, मैंने आपका हर एक लोग लेके आप श्रीलंका आ रहे थे। अगर आप आज कौन जीतेगा? आज सौरव जैसे आया तो इंडिया जीतेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा श्रीलंका से, बिकॉज आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो हम स्पेशली उसके लिए आए थे कल, सीधा श्रीलंका। तो आज फुल चीयर करेंगे इंडिया के लिए, और इंडिया ही जीतेगी। तो फिलहाल मैं रेडी हो गया, सुबह सुबह मस्त नहा धो के मैंने इंडियन जर्सी की हमारी टी शर्ट भी डाली इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो पता लगना चाहिए ना कि हम इंडिया से हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं तो रेडी हो गया हूँ, बाकी प्रभजोत भाई बाकी सब रेडी होंगे, फिर निकलेंगे सीधा स्टेडियम के लिए। 2:30 बजे से मैच स्टार्ट है, तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे 1 बजे तक। भाई देखो, मौसम अभी ठीक है, धूप हो रही है, बारिश नहीं, लेकिन सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी। सुबह सुबह डर लग रहा था हमें बारिश में, बहुत तेज हो रही थी सुबह सुबह। मुझे लगा था बारिश कहीं बारिश ना रुकी ना तो मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली बारिश रुकी और अब सही लग रहा है। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, वो भी तेज। देखो, इतनी दूर से स्पेशली मैच देखने आए हैं और यहाँ तेज बारिश हो रही है। चलो भाई, फाइनली बारिश रुक गई है, अब चलते सीधा स्टेडियम और देखते हैं मैच, बस अब बारिश ना आए। तो भी गई, ये भाई मिलने आए हैं श्रीलंका से ही, और हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। देखो, कुनाली के लिए, पीयूष के लिए, और मेरे लिए। इन्होंने ब्लॉग देखा होगा ना, आज मैंने ब्लॉग डाला कि मैं इस होटल में रुका हूँ, तो यहीं पे आ गए मिलने के लिए। श्रीलंका से भी प्यार, गाइस थैंक यू सो मच। तो प्रभजोत भाई भी आ गए हैं, और देखो सेम टी शर्ट, सेम टी शर्ट। मैच होगा नहीं होगा? मैच होगा भाई, बारिश तो रुक नहीं रही है। नहीं, सुबह मैंने कॉल किया था, तो बात हो गई है। क्या बात होगी? भगवान से होगा, मैच होके रहेगा। तो हमारी गाड़ी आ गई है, लेट्स गो टू द स्टेडियम। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं स्टेडियम में, अब तो एक्साइटमेंट हो रही है जल्दी से अंदर जाने की। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही गाइस बिल्कुल भी। देखो यहाँ बिल्कुल सूखा सूखा है। अब जा रहे हैं अपने सीट पे। आ जाओ। गाइस ये देखो सामने विराट कोहली सर, ये देखो सामने। वाओ, अमेजिंग। प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ये कैमरा, ये पूरी टीम। भाई नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है यार पूरा। हमारी सीट यहाँ पे है ना? ये हमारी है, ये हमारी है गाइस। ये थोड़ी वीआईपी सीट है, थोड़ी नहीं, ज्यादा है भाई। ज्यादा है? ज्यादा देखना, पीछे से जाओ, ड्रिंक्स ले आओ, आराम से खाओ पियो और यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, ये अच्छी खासी वीआईपी है। इंडिया इंडिया इंडिया। वो पाकिस्तान की टीम है, ये इंडिया की है। गाइस जो आंखों से दिख रहा है ना, वो कैमरे से दिख सकता है, एकदम बिल्कुल सामने दिख रहे हैं सारे प्लेयर्स, और विराट कोहली सर भी सामने, बिल्कुल सामने ही है। अभी ऑडियंस पूरी नहीं आई है, अभी काफी कम ऑडियंस आई है। तो अभी पूरी टीम साथ में आ चुकी है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बादल तो देखो, बादल कितने खतरनाक बादल हो रहे हैं भाई, ब्लैक बादल, फुल गूज़बम्स आ रहे हैं यहाँ पे आके। तो भाई, तो वही टॉस हो चुका है और इंडिया जीत चुका है, और इंडिया ने बैट फर्स्ट किया है। तो अब जा रहे हैं सारे प्लेयर चेंज करने के लिए, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा मैच। एक काले बादलों को देख के डर लग रहा है मुझे, काले बादलों को देख के। और गाइस यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, तो हम टीवी में भी देख सकते हैं। आई एम स्पीक इंग्लिश ब्रदर, नो नॉट ओनली, ऑल ऑफ ऑल द बिगेस्ट फैन, या आई एम धोनी फैन। तो गाइस टीम आ चुकी है, गूज़बम्स देखो। एक ओवर में 4 रन बने हैं, पहले ओवर में 4 रन बने हैं इंडिया के। टीवी से ज़्यादा मज़ा आ रहा है सामने देखने में भाई, टीवी में तो ऐड वैड आती है ना, ऐसे सामने में देखने में मज़ा आ रहा है। 3 ओवर 14 रन। गाइस यहाँ पे तो सडनली बारिश आ गई, देखो पिच को ढक रहे हैं अब जल्दी से भाग के, सारे प्लेयर जा रहे हैं वापस। अबे यार कितना बड़ा तिरपाल है, कैसे खींच के ले जा रहे हैं। तो मैच तो रुक गया बारिश की वजह से, अभी फिलहाल आए हैं कुछ खाने के लिए। गाइस यहाँ पे सिर्फ ये वेज है, सिर्फ ये, अदरवाइज सब कुछ नॉन वेज है, तो मुझे सिर्फ यही खाना पड़ेगा, ये नूडल्स। फाइनली बारिश रुक चुकी है, सारे तिरपाल हटा दिए। गाइस यार विराट कोहली सर आउट हो गया यार, विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी दोनों आउट हो गए। बुरा सा लग रहा है यार, वो एक्साइटमेंट थी ना जो, वो मतलब बुरा बहुत बुरा सा लग रहा है, बहुत बुरा सा। फिर से बारिश आ गई है, फिर से तिरपाल ला रहे हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं नीचे। पाकिस्तान से हूँ। नीचे मजा आ रहा है, यहाँ पे मजा आ रहा है। बारिश खत्म हो चुकी है और फिर से धूप आ चुकी है। हम तो अपनी तरफ से फुल चीयर कर रहे हैं गाइस, हम फुल चीयर कर रहे हैं कि जीतेगा भाई।
गाइस पता ही लगा 30 ओवर कब निकल गए भाई बैठे बैठे। फाइनली 200 रन कंप्लीट हो गए गाइस, सिर्फ 10 ओवर रह गए भाई, लास्ट के 2 ओवर रह गए और दो ही बैट्समैन रह गए, एक और आउट हो गया, इंडिया के 9 विकेट हो गए, अब लास्ट एक रह गया और लास्ट के दो ओवर रह गए। एक पारी समाप्त हो चुकी है और समाप्त होते ही बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस अब चलते हैं डिनर करने के लिए, अंधेरा हो चुका है, पूरी रात हो चुकी है। आज का हमारा डिनर यहीं पे ही है, यहाँ पूरा बुफे लगा हुआ है, देखो यहाँ फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है, तो हम खा सकते हैं। बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, पूरा स्टेडियम ढक दिया, देखो पूरा स्टेडियम ढक दिया है। फिर डिनर कर रहे हैं अभी, अब हटाएंगे सारी तिरपाल हटाएंगे अब। गाइस बारिश तो रुक नहीं रही, आई थिंक मैच कैंसिल हो गया, पक्का कैंसिल हो गया क्या? हो गया, मुझे लग रहा है कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लेयर एक दूसरे में हाथ मिला रहे हैं, चप्पल भी पा रहे हैं और जनता जा रही है बाहर। हाँ जनता जनता खाली होगी, देखो सारे जा चुके हैं, इधर से भी उधर से भी जा रहे हैं, देखो सारे। तो भी आ चुका हूँ होटल रूम पे, आज गया था फर्स्ट टाइम मैच देखने के लिए स्टेडियम में और आज पोपट हो गया, जैसे कि आपने देखा बारिश की वजह से, बारिश रुकी नहीं थी, बारी बारी बारिश आ रही थी, रुक रही थी, आ रही थी, फिर एंड में तो भाई आती गई, सिर्फ इंडिया खेल पाई। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस था सबको खेलते हुए देखा, पूरी टीम का मैंने कैमरे पर दिखाया खेलते हुए शॉट मारते हुए, बिकॉज वो फिर कॉपीराइट वगैरह का इशू होता है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ अपना अपना दिखा रहा था, ज़्यादा कम ही दिखा रहा था मैं। तो हाँ आई होप आपको पसंद आया होगा, बाकी मैच पूरा नहीं हो पाया, जितना भी हुआ काफ़ी बेस्ट हुआ, इंडिया ने भी अच्छे से खेला, पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की और हमने चीयर अच्छा किया। तो अब नेक्स्ट मैच होगा 10 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का, यहीं श्रीलंका में ही। आज का मैच तो कैंसिल हो गया गाइस, ड्रॉ हो गया गाइस, उतना मज़ा नहीं आया देखने में जितना आना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में आउट हो गए, फिर बारिश हो गई, बारी बारी बारिश हो रही थी, पूरा भी नहीं हो पाया, अच्छे से चीयर भी नहीं कर पाए। एंड मोमेंट में मज़ा आता है ना, एंड मोमेंट में देखने में कि कौन जीत रहा है, कितने रन चाहिए, वो सब नहीं हो पाया, वो फील नहीं ले पाया मैं। लेकिन मेरी आवाज़ देखो बैठ रही है, बिकॉज मैं बहुत चिल्लाया बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई अलग ही एक्सपीरियंस होता है स्टेडियम में मैच देखने का, इंडियन टीम को खेलते हुए देखने का, भाई पूरे गूज़बम्स आते हैं, एक एक बॉल में अलग ही फील आता है, सामने से देखते हैं ना उनको शॉट मारते हुए, बॉलिंग करते हुए। आज एक सब्सक्राइबर ने 3 गिफ्ट दिए थे, एक पीयूष के लिए, एक कुनाली के लिए, एक मेरे लिए, तो अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है इसमें। पहले मेरे वाला देखता हूँ क्या होगा इसमें, इसमें तो सेल्फी स्टिक है, व्लॉग बनाने में यूज़ कर सकते हैं इसको, और एक पेन भी दिया गाइस साथ में, तो थैंक यू सो मच इन दोनों गिफ्ट के लिए। बाकी पीयूष और कुनाली का तो मैं उन्हीं को दूंगा, वो खुद ही खोलेंगे। चलो अब मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, फिर पैकिंग करनी है, सारे कपड़े वपड़े रखने हैं, सब कुछ रखना है, उसके बाद फिर सीधा निकलना है दिल्ली के लिए, सुबह की फ्लाइट है हमारी। ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच नहीं था, बट जो भी था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ में शेयर किया, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।